तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज वगैरह मिल पा रही है आप सभी को भाई? आवाज वगैरह मिल पा रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतर तरीके से। चलिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा है एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य क्या है, बताना है कह रहा आपसे कि एकाक्षरी भाषा परिवार क्या होता है। एकाक्षरी, एकाक्षरी मतलब होता है यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, ये चीनी भाषा परिवार से है। एकाक्षरी भाषा परिवार ये चीनी भाषा परिवार है, इसको ऑप्शन लगाना है आपको बी नंबर है। जो चीनी होते हैं या तिब्बती भाषा, माना चीनी या तिब्बती भाषा परिवार को एकाक्षर परिवार की भाषा कहा जाता है दोस्तों, है ना। उसकी जो आकृति होती है वो विशेषताओं से प्रभावित होती है, तो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है कन्नड़ का जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से है, बताइएगा कन्नड़ का जो संबंध है वो किस भाषा परिवार से है। टू को ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा टू नंबर में? तो दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा ये है आपके द्राविड़ परिवार से। हमने आपको बताया था कि भैया दक्षिण भारत में आपके मलयालम, कन्नड़ ये काफी आपकी लैंग्वेज होती हैं, बोली जाती हैं, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, द्राविड़ भाषा परिवार इसको ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं औचड़ को हिंदी में क्या बोला जाता है। चलिए जय हिंद, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। भैया वीडियो को तो लाइक शेयर कर दीजिए, जितने लोग यहाँ पर क्लास में जुड़ गए हैं सेशन को भैया लाइक की संख्या भी तो बढ़ा दीजिए। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों ने हिंदी इतनी बार पढ़ा है, इतना अच्छा पढ़ा है, इतनी बार हमने प्रैक्टिस कराया है, और हिंदी की क्लास में अगर आप कंजूसी कर जाएं तो फिर आप लोगों से फिर अच्छा इंसान तो शायद चाइना में ना मिले, है ना। तो भैया आप लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखो दिया है औचड़ को हिंदी खड़ी बोली में क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपकी अगर बात कर लेते हैं थ्री नंबर में, तो भैया यहाँ पर होता है जोरदार, जिसको आप सुना रहा है ए नंबर है, जोरदार आपका आंसर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, बताइएगा औते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। फोर का ऑप्शन देना है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड की कोई तैयारी करता है तो फॉरेस्ट गार्ड में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर दिया है औते रहिए, एका मतलब होता है क्या आते ही रहें, क्या आते ही रहें, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, आते ही रहे आपका हो जाएगा राइट, ठीक है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, बताइएगा कि आपका जो आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। कह रहा है हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, आपका आंसर क्या होगा, आप सभी का जवाब इनमें से क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्वर की बात किया है, तो स्वर आपको बताना है क्या, याद रखिएगा 11 बताना है, 13 मत लगाइएगा, ठीक है ना, आपको बताना है 11, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट ये पूछ ले कि हिंदी भाषा में व्यंजन कितने होते हैं तो क्या जवाब देंगे, बताइए। अगर पूछे कि हिंदी भाषा में व्यंजन कितने होते हैं तो व्यंजन आप बताएंगे 33, कितने बताएंगे 33 होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा 33 आपका जवाब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आइएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं कितने होते हैं, यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है सेवन नंबर में वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर ये हो जाएगा 3 होते हैं। अच्छा ये 3 होते हैं तो मान लेते हैं कि आपकी बात सही है, लेकिन आप ये बताइए ये जो 3 होते हैं कौन होते हैं, ये जो 3 होते हैं वो आपके कौन होते हैं। तो याद रखिए एक तो रूढ़ संज्ञा होती है, क्या होती है रूढ़ होती है, दूसरी कौन होती है यौगिक होती है, क्या होती है यौगिक होती है, और तीसरी क्या होती है, तीसरी होती है दोस्तों योग रूढ़ होती है, क्या होती है योग रूढ़ शब्द होता है, योग रूढ़ होता है याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है संज्ञा का भेद नहीं है, बताइएगा कि संज्ञा का भेद नहीं है, आपको जवाब देना है। भाई हमें तो नहीं आता, आप लोग जवाब दीजिए कि संज्ञा के भेद में कौन सा नहीं आता है। चलिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अब आप बताइएगा कि निजवाचक जो आप दे रहे हैं ऑप्शन सी नंबर है, तो ये तो संज्ञा का भेद नहीं होता है, निजवाचक तो होता है सर्वनाम, अर्थात यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है सी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो दिया गया है इनमें से क्या दिया है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, मतलब एक शब्द आया है पुल्लिंग शब्द दिया गया है इनमें से, और कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। भाई 9 की अगर बात कर लिया जाए तो भैया यहाँ पर देखो भेड़ जो आपका था क्या था पुल्लिंग, लेकिन इसमें क्या हो गया यहाँ पर बड़ा आ का प्रत्यय लगा दिया तो भेड़ा बन गया, और भेड़ा बन गया तो आप कहेंगे भैया ये तो लिंग परिवर्तन हो गया, तो ऑप्शन दोस्तों आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग है,
कौन सा शब्द आपका पुरलिंग है, मंत्रणा कैसी है, सभा कैसी है, मंडला कैसी है, न्याय कैसा है, मतलब ऑप्शन देखा जाए तो आप सभी का जवाब यहाँ पर डी नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सही है। न्याय कैसा है तो आप कहेंगे न्याय, ये आपका पुरलिंग में आएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है हिंदी में वचन जो होते हैं वो बताइएगा कितने होते हैं, हिंदी में वचन कितने होते हैं बताइएगा। तो हिंदी में वचन सिर्फ दो ही होते हैं, हमने बताया भी है, बहुत बार बताया है कि भैया एक वचन और बहुवचन जो ऑप्शन है वही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बताना है, एक वचन इनमें से कौन हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है एक वचन, यहाँ पर दिया है प्राण, दिया है दर्शन है, ओठ है और तेल है। दोस्तों याद रखिएगा जो मटेरियल नाउन होता है अर्थात दोस्तों तेल हो गया, पानी हो गया या कुछ भी हो गया, अगर तरल की बात कर देता है तो हमेशा वो एक वचन में ही होता है, एक वचन में ही हमेशा होता है, ये भी याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर बताइएगा कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं। जब आपसे सर्वनाम की बात करें कि भैया सर्वनाम कितने होते हैं तो आपको जवाब क्या देना है, आपको जवाब देना है सी नंबर है, याद रखिए 11 होते हैं। कितने, 11, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से सर्वनाम शब्द आपको बताना है, इनमें से सर्वनाम कौन सा है, ताजा, मैं, सोना या हिमालय। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सर्वनाम की अगर बात किया है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या होगा, जो मैं दिया गया है मैं, ये क्या है आपका सर्वनाम है, याद रखिएगा मैं जो है ये सर्वनाम है, कैसा है तो आप कहेंगे उत्तम पुरुष का आपका है, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है विशेषण की विशेषता बताने वाला जो शब्द होता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण की विशेषता, और दोस्तों जो विशेषण की विशेषता बता जाए तो भैया वो होता है प्राविशेषण, है ना, क्या, जो विशेषण की विशेषता बता जाए, मतलब यहाँ पर ये कह दें कि भैया जो चोर के घर में भी चोरी कर जाए वो तो महाचोर कहलाएगा, क्यों भाई, जो चोर के घर में चोरी कर जाए तो उसे महाचोर कहेंगे, अर्थात यहाँ पर विशेषण की विशेषता बता दे अर्थात ये प्राविशेषण हो जाएगा, है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे निम्न में से विशेषण कौन सा है, विशेषण की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों किसी का अगर गुण होता है, क्या, किसी का गुण अगर सुंदर हो गया, किसी का गुण आवाज में अच्छी होती है तो उसका गुण ही क्या होता है, वो विशेषण होता है, तो आपसे मनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 17 को ऑप्शन लॉक करना है, आपका जो जवाब हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए जवाब देना है। और भैया जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, है ना, एक बार जितने भी लोग जुड़े हैं बाद में वो लोग सेशन को भैया लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, आप लोग कितना भी करें कम से कम आधा नंबर तो सीखते के जाते ही होंगे, डेली कुछ ना कुछ सीखते होंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी के अगर प्रैक्टिस सेट लेने जाएंगे मार्केट में ना तो भी आपको 150 मिले, 150 रुपये के नीचे नहीं मिलेगा, और मिलेंगे आपको 10 से 15 प्रैक्टिस सेट, लेकिन आपको यहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट होता है तो आप समझिएगा कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है हिंदी की क्लास को, हिंदी के टेस्ट को बनाने में, ठीक है ना। तो भैया जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग लाइक शेयर सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो भाई कर्म के आधार पर जब आपसे बोल दे तो समझ लीजिएगा कि आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देखो दो आया है, बिल्कुल सही है, दो आया है बिल्कुल सही है, क्योंकि कर्म के आधार पर एक तो होती है सकर्मक होती है, क्या होती है, सकर्मक होती है, और दूसरी होती है आकर्मक होती है, क्या होती है, आकर्मक होती है, ठीक है, आकर्मक यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या, कह रहा है क्रिया आपको चुनना है, मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है। अब यहाँ पर आपसे क्रिया पूछा हो, क्रिया पूछा है तो आप कहेंगे सीखना, लर्निंग जो होता है क्या होता है, सीखना होता है, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित जो आपके माने जाते हैं यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए इसका आंसर क्या बनेगा, नोट करिएगा, हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित दोस्तों आपके 8 ही आपके होते हैं, हमने कल भी बताया था 8 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगर पिंगली रेसी हो जाते तो भी आपको 6 ही लगाना पड़ता। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया कि इसमें किस कारक का प्रयोग हुआ है, तो आप कहेंगे सर शिक्षक ने पाठ पढ़ाया है ना, तो इसका मतलब ये है कि शिक्षक यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्ता ने, शिक्षक ने, और कर्ता ने और शिक्षक ने, इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्ता ने, ऑप्शन बनेगा आपका बे नंबर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण और अपूर्ण अवस्था का बोध होता है।
दोस्तों 21 नंबर की अगर बात कर देते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, नोट करना है कि क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अवस्था और अपूर्ण व्यवस्था का बोध होता है। तो ये होता है आपका काल, और काल जो ऑप्शन है ये आपका डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाइएगा, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है निम्न में से कौन सा भूतकाल का भेद आपका नहीं है, बताइएगा कि भूतकाल का जो भेद नहीं है यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा भाई, चलिए जवाब दीजिएगा आप कंसर्न में से क्या हो जाएगा, भूतकाल का भेद यहाँ पर नहीं है। चलिए आप कहेंगे सर जी भूतकाल में अगर देखा जाए तो सामान्य होता है, आसन्न होता है, पूर्ण और अपूर्ण और संदिग्ध और हेतुहित, मतलब यहाँ पर जो संभव्य होता है संभव्य तो नहीं होता है, क्योंकि संभव्य जो होता है ये आपके भविष्य में होता है, किसमें होता है भविष्य में होता है, भविष्य काल में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्राय कर्ता के अनुसार चेंज होते हैं, वे वाक्य क्या कहलाते हैं। दोस्तों ये जो वाक्य होते हैं क्या होते हैं, इन्हें कृत्यवाच्य कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया है कर्ता की प्रधानता, जब कर्ता की प्रधानता हो तो ऑप्शन बी नंबर को ही लॉक करना है। अगले क्वेश्चन को बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है कि राम आम खाता है वाच्य का कौन सा रूप है, राम आम खाता है बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो आप कहेंगे राम आम खाता है तो आपका आंसर यहाँ पर बनेगा कौन सा, तो जवाब दोस्तों यहाँ पर देखिए राम आम खाता है, ठीक है। तो भैया फोकस किस पर हो रहा है बताइए, राम आम खाता है क्रिया में दोस्तों फोकस हो रहा है राम पर हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा, कृत्यवाच हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है आपसे, कह रहा है कि कौन सा पद विकृत नहीं है, अगर ये हो जाता राम के द्वारा आम खाया जा रहा है तब वो कर्म हो जाता, यहाँ पर दिया कौन सा पद विकृत नहीं होता अर्थात जिसका विकार नहीं होता है, और विकार नहीं होता है तो आप क्या जवाब देंगे, अगर विकार नहीं होता है तो आप कहेंगे यहाँ पर जो आपका अव्यय है क्या है, अव्यय है, मतलब ऑप्शन बी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, अव्यय बन जाएगा। यहाँ पर दिया गया अगला पॉइंट आपसे कह रहा है, कह रहा है भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में जो भला शब्द आपका है क्या भाई, बताइएगा कि जो भला शब्द आपका है क्या। तो मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो वाक्य सही था लेकिन ये एक्स्ट्रा शब्द लगाया गया भला, और जब भला लग गया है तो याद रखिएगा आपका आंसर ये हो जाएगा क्या, अव्यय हो जाएगा, अव्यय जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है आपसे कह रहा है, कह रहा है संस्कृत से हिंदी में प्रयुक्त मूल शब्द से वर्तमान स्थायी तद्भव रूप तक पहुंचने के मध्य में संस्कृत के अशुद्ध या टूटे फूटे प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पर जवाब देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 27 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर, ये अर्ध तत्सम होते हैं, क्यों कह रहा है, कह रहा है तद्भव तक पहुंचने के मध्य में, क्या मध्य में, और मध्य में जो होते हैं वो अर्ध तत्सम होते हैं, ना तो इनको तत्सम कहेंगे ना तो इनको तद्भव कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दोस्तों आपसे कह रहा है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों बताना है कि संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो होते हैं तत्सम, ज्यों का त्यों जो होते हैं वो आपके तत्सम होते हैं, अगर बिगड़ा रूप होता है तो आपका वो तद्भव हो जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, 29 को ऑप्शन लॉक करना है। अब आप कहेंगे सर अश्व का पर्यायवाची, तो भैया यहाँ पर घोटक होता है, घोड़ा होता है, हय होता है, लेकिन भैया तरंग नहीं होता है, तरंग ये लहर का होता है ना, तो ऑप्शन दोस्तों जिसका आ रहा है नंबर बन जाएगा राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है, अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए अरण्य के पर्यायवाची में दोस्तों क्या क्या होता है, यहाँ पर कहेंगे कांतार होता है, विपिन भी होता है, कानन भी होता है, लेकिन जो आपका दिया गया है सुर भोग है ना, सुर भोग तो आपका नहीं होता है ना, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका हो जाएगा सी नंबर, सुर भोग जो होता है अमृत का होता है, किसका, ये अमृत का होता है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से क्या दिया है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा कि अमृत का विलोम क्या होता है, अमृत का विलोम। अब आप कहेंगे सर अमृत का विलोम क्या होता है, विष होता है, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, विष बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है अमृत का विलोम क्या होगा, फिर से रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है यहाँ पर समझिएगा अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे दिए गए विकल्पों में से कौन सा, क्या दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द आपका नहीं है, अतुल का समानार्थी नहीं है। तो दोस्तों देखिए अतुल के समानार्थी में अगर पूछे तो आप कहेंगे अतुल का मतलब अनोखा होता है,
अनुपम होता है, अपूर्व होता है, लेकिन अनल नहीं होता है। मतलब ऑप्शन जो आपका बी नंबर है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनल हो जाएगा। अनल होता है, अग्नि का होता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन आप सिग्रा पूछा गया है और कह रहा है सर जी ये बताइएगा कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी है। अंगना शब्द जो होता है ये किसका समानार्थी होता है, अंगना, तो ये होता है स्त्री का। मतलब ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर अंगना शब्द जो होता है, जैसे अगर ये अंगना होता, अंगना में अगर इस प्रकार का अंगना होता तो हम लोग बोल देते आंगन बोल देते। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या, के अनुरूप बदल जाने वाले को। यहाँ पर अवसरवादी होता है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी हो जाएगा, अवसरवादी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए शब्द बताना है। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए शब्द क्या बनेगा। यहाँ पर दोस्तों 36 नंबर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, आप कहेंगे असूरम पश्या। कौन, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, असूरम पश्या राइट हो जाएगा। यहाँ पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे नीचे दिए गए वाक्य के लिए सही मोहरा बताना है। कह रहे युवकों को होने पर विवाह करना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, युवकों को कब, जब युवा हो जाए तभी विवाह करना चाहिए, या युवकों को अपने पैर पर खड़े होने के बाद ही विवाह करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो आंसर हो जाएगा अपने पैरों पर खड़े होना, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़े होना। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनना है। लोकोक्ति दिया है और मोहरा, मोहरा में हमने बताया था कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंतर आपको जरूर मिल जाता है। दोस्तों दिया है अंधे की लकड़ी, है ना, अंधे की लकड़ी, 9-2-11 होना, गले पड़ना, अजल गगरी छलका जाए। देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका डी नंबर, अजल गगरी छलका जाए, ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है कि अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, बताएगा। कह रहे हैं अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं, 39 नंबर को ऑप्शन लॉक करिएगा। अंकुरब मतलब होता है अंकुरित होना, ऑप्शन हो जाएगा अंकुरित होना आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को लाइएगा, क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कह रहे अवली और अविल का अर्थ क्या होता है, अवली और अविल का अर्थ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए 40 नंबर में, अब आप कहेंगे सर अवली और अविल ये क्या होता है, याद रखिए अवली मतलब होता है गंदा, क्या होता है, गंदा होता है, है ना, और अवली मतलब होता है पंक्ति, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, पंक्ति और गंदा, जिसको अभी ऑप्शन बना है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है उपसर्ग व शब्दांश है। भैया उपसर्ग जो होता है शब्दांश में ही होता है, लेकिन पहले लगता है या बाद में लगता है। हमने बताया था कि उपसर्ग व शब्दांश होता है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे पराजय में उपसर्ग बताइएगा, पराजय में उपसर्ग कौन सा है, पराजय में उपसर्ग कौन सा है। तो दोस्तों देखिए जय शब्द इसका मूल शब्द बनेगा और परा जो शब्द आपका है ये आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बैठक में प्रत्यय कौन सा है, बैठक में प्रत्यय कौन सा है, 43 नंबर लॉक किया जाए, बैठक में प्रत्यय है वो आपका कौन सा है। तो आप कहेंगे सर बैठक, अक शब्द आएगा और अक शब्द जो आपका है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, अक हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जलना में कौन सा प्रत्यय है, जलना में कौन सा प्रत्यय है। दोस्तों जलना है ना, तो जलना दोस्तों बताइए आप कंसर्न में से क्या बनेगा। यहाँ पर जवाब देना है आप कंसर्न इनमें से राइट क्या हो जाएगा, फटाफट जवाब देना है आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए भाई, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जवाब भी आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जवाब यहाँ पर कुछ सही भी आ रहे हैं, कुछ गलत आ रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा जलना में हो जाएगा, सबसे पहले बात एक होता है क्या, यहाँ पर जल, यहाँ पर निकालेंगे मूल शब्द है ना, क्या निकालेंगे, एक शुद्ध शब्द निकलेगा क्या, यहाँ पर जल निकलेगा और यहाँ पर लास्ट में क्या निकलेगा, ना, तो यही क्या हो गया प्रत्यय, मतलब ऑप्शन सी नंबर यहाँ पर राइट हो गया है। अना लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, किताबों में हो सकता है दिया गया हो, लेकिन याद रखिएगा जब भी कभी तोड़ते हैं तो उसमें शुद्ध शब्द आपको आना चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर भर देंगे तो आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को लाते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है कि संधियां तीन प्रकार की होती हैं, एक संधि का प्रकार नहीं है। तो भैया स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग होता है, लेकिन स्वर संधि तो होते नहीं है, तो ऑप्शन डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है,
प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है 47 नंबर में। तो आप कहेंगे प्रत्यंग दिया गया है, अर्थात यहां पर अगर इसे तोड़ा जाए तो आप कहेंगे सर ये जो टूटेगा बनेगा प्रतिधन अंग। क्या बनेगा? प्रतिधन अंग बनेगा। और अंग इसका मूल शब्द आ गया है, प्रति आ गया है। जब प्रति आ जाए पहले तो यही प्रधान प्रधान होता है, और प्रधान जब हो जाएगा पहले वह बेभाव समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है आमरण में समास कौन सा है। अब आप लोग जवाब देंगे आमरण में समास क्या है। वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं या पहले जुड़े रहे हैं, है ना। तो भैया सेशन को सभी लोग लाइक करिएगा, और जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं है ना वो लोग जय हिंद लिखिएगा। ठीक है, चलिए आमरण में दिया है तो देखो मरण क्या हो गया, मरण इसका मूल हो गया, और बड़ा आ जो आया ये क्या हो गया उपसर्ग, और उपसर्ग वाला जो होता है वो आपका वैभव होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है। मोहन बाजार जा रहा है, उद्देश्य पूछा गया है, उद्देश्य और उद्देश्य की बात कर रहा है। तो भैया क्या है यहाँ पर, मोहन जो आपका है वही उद्देश्य हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, है ना। बाजार जो आपका है ये विधेय है, बाजार जाना है, बाजार जो आपका है ये विधेय है, और जो उद्देश्य आपका क्या है, उद्देश्य करता होता ही होता है, सिंपल सी बात है कि उद्देश्य करता होता है। अगला आपसे दिया गया है कि सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर पहुंचा। हमने तो सोचा कि सीढ़ी के सहारे जहाज पर चढ़ गया, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा, वाक्य में सीढ़ी के सहारे है क्या। आप कहेंगे सीढ़ी के सहारे मतलब दोस्तों देखा जाए यहां पर आंसर क्या होगा, साधारण उद्देश्य होगा, विधेयक विस्तार होगा, उद्देश्य वर्धक होगा या क्या होगा। चलिए यहां पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर को लॉक करना है। आपका जो जवाब है यहां पर राइट क्या हो सकता है, फटाफट जवाब दीजिएगा भाई। तो भैया बड़ा कठिन क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, लेकिन संघर्ष करना है और आपको आंसर देना है। यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे दोस्तों, इसमें उद्देश्य का विस्तार हो रहा है, क्या हो रहा है, सीढ़ी जो आपका है ना सीढ़ी के सहारे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीढ़ी का क्या हो रहा है, सीढ़ी के सहारा है, अर्थात उद्देश्य, अर्थात यहाँ पर सीढ़ी क्या है, करता है, और करता क्या होता है, विधेय होता है, और विधेय क्या होगा उसका विस्तार हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा बी नंबर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है दोस्तों आपसे क्या, यहाँ पर दिया गया है सींग का तत्सम क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा फास्ट पढ़ना है, डेली हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं जिससे आप लोग क्या करें थोड़ा और मेहनती हो जाए। थोड़ा यहाँ पर बताएगा कि सींग का तत्सम क्या होता है, यहाँ पर जवाब देना है, आप आंसर में से राइट क्या हो जाएगा बताइएगा भाई, फटाफट जवाब देना है कि सींग का जो तत्सम होता है क्या हो जाएगा। चलिए भैया सबको जवाब देना है, विधिवत तरीके से जवाब देना है। चलिए यहां पर देखो सींग का होता है श्रृंग, और श्रृंग कहीं पर लिखा है क्या, यहां पर दोस्तों आपका श्रृंग कहीं लिखा है क्या, और जो श्रृंग लिखा है वो कौन सा सही लिखा है, ये भी देखना है कि श्रृंग जो सही लिखा है वो कौन सा लिखा है। तो भैया ऑप्शन जो आपका सी वाला है, ये श्रृंग जो दोस्तों आपका लिखा है बिल्कुल सही है, सींग का जो तत्सम होता है वो श्रृंग सी ऑप्शन हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करना है, यहाँ पर दोस्तों तत्सम शब्द आपका कौन सा है, यहाँ पर देखिए व्याघ्र होता है, मैंने बताया था जो ये रा लगा हुआ है, अगर रा लगा होता है तो समझो कि वो तो तत्सम ही है ना, क्या हो जाएगा वो आपका तत्सम ही कहलाएगा, मतलब ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है यहां पर समझना है। चलिए हाँ देखिए यहां पर दिया गया है ढीठ का तत्सम क्या होता है, दोस्तों बताना है ढीठ का तत्सम क्या होता है, ढीठ का तत्सम तो ढीठ का होता है दृष्टि, कौन सा, ये वाला ऑप्शन जो आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगर पूछे भैया कि बताइए माँ का तत्सम क्या होता है, मात्र होता है या माता होता है, तो दोस्तों देखा जाए तो दोनों होता है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन सी लगाएंगे, मात्र वाला ऑप्शन सही लगाएंगे। अगला है कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है, यहाँ पर सुसुसा जो लिखा है वो क्या सही है क्या, यहाँ पर फाइव नंबर में अगर सही है तो बिल्कुल यही आंसर आपका राइट हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, सुसुसा जो आपका है तत्सम बनेगा। अगला है दोस्तों आपका तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द तो तद्भव शब्द मानव, मनुष्य, मानव और मनई, मनई शब्द जो दिया गया है क्या, मनई जो दिया गया मनई ये वाला, याद रखिए यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है सिक्स नंबर का ऑप्शन बी मनई, ये आपका तद्भव है। अगला दिया गया है श्रृंगार का तत्सम क्या है, अभी अभी हमने पढ़ाया था कि श्रृंगार का होता है श्रृंगार, और श्रृंगार ये वाला आपका सही लिखा होता है। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, यहाँ पर दोस्तों तत्सम क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा या दोस्तों यहाँ पर तीर्थ हो जाएगा,
एक बात को याद रखिएगा, ये जो आपका रा चढ़ा हुआ है ना, इसी से पता चल जाता है कि रा है अर्थात यही तत्सम हो जाएगा, डी नंबर है। अगला दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, यहाँ पर दिया गया है मधुक दिया है, भ्रमर दिया है ना, और मधुकर दिया है, भौरा दिया है। जहां भी चांद की बिंदी लग जाए दोस्तों, याद रखिएगा चांद की बिंदी जहां लग जाती है वो तद्भव ही हो जाता है। अंगीठी का तत्सम पूछा गया है, तो अंगीठी का तत्सम होता है क्या, यहाँ पर बताना है अंगीठी का तत्सम क्या हो जाएगा। नमस्ते भैया, नमस्ते, यहाँ पर अंगीठी का होता है अग्निष्ठिका, कौन सा ऑप्शन सी बनेगा, अग्निष्ठिका आपका आंसर बनेगा। मुद्री का दोस्तों, यहाँ पर मुद्री का तत्सम क्या होता है, मुद्री का होता है मुद्रिका, और मुद्रिका जो सही लिखा है वो आपका सही है, डी नंबर मुद्रिका आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला आपसे पूछा है तद्भव बताना है, और तद्भव की अगर बात करते हैं, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर और सूरज, दोस्तों अगर देखा जाए जो सूरज दिया गया है ना, ये सूरज है, ये दोस्तों आपका तद्भव है, क्योंकि होता है सूर्य, क्या होता है सूर्य होता है, याद रखिएगा। अगला आपसे दिया गया है चूरन का तत्सम बताना है, चलिए भैया यहाँ पर बताना है, कहेंगे चूरन पहना गया है ना, यहाँ पर चूरन, तो दोस्तों चूरन का तत्सम होता है चूर्ण, और चूर्ण कहां पर दिया है, आप कहेंगे सर 13 का ऑप्शन बी वाला, देखिए आपका आंसर नजर आ जाएगा, आपका जवाब बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, और नहीं है तो भैया आपको ढूंढना है क्या, चांद की बिंदी वाला ढूंढना है, ये तद्भव आपका है, अदर जो आपके तत्सम है। अगला है कौन शब्द आपका तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है तो भैया देखिए कौन सा नहीं है, इंदु है, दिनेश है, मनोज है, रात है, तो भाई 15 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी वाला, रात जो आपका है ये तद्भव है ना, और होता है रात्रि, क्या होता है रात्रि, अगर होता तो हम लोग बोल देते ये तत्सम आपका है। आगे बढ़िएगा, ये कौन सा आपका तत्सम शब्द आपका है, तत्सम आपसे दिया गया है तो तत्सम देख लीजिएगा 16 नंबर में। यहाँ पर दोस्तों जो मुख दिया गया है मुख है ना, क्योंकि कान का कर्ण होता है, तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा, मुख बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है तिक्त का तद्भव क्या होता है, तिक्त का तद्भव क्या होता है, तो तिक्त का तद्भव होता है तीता, क्या होता है तीता होता है, मतलब ऑप्शन देखा जाए 17 नंबर में वो ऑप्शन ए हो जाएगा, तीता बन जाएगा। अगला है तद्भव शब्द कौन सा है, यहाँ पर तद्भव पूछा गया 18 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आतुर दिया है, अटल दिया है, अतिथि दिया है, औजित दिया है, जो अटल दिया गया है अटल ये आपका तद्भव है, अटल का दोस्तों जो आपका स्थिर शब्द होता है स्थिर वो तत्सम हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है, कह रहे ससुर का तत्सम क्या होता है, चलिए सर एक अलग क्लास लगा दो तत्सम तद्भव की, क्योंकि यहाँ पर क्या गड़बड़ चल रहा है क्या, यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं वो तत्सम तद्भव की गलत लिख रहे हैं क्या भैया, आप अगर पढ़ना है तो आप देखिए प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर मिल जाएगा तत्सम तद्भव की, अलग से पढ़ाएंगे तो क्या वो जो क्या बोलता है इंजेक्शन वाला होता है ना कि ग्लूकोज चढ़ना है, तो क्या ग्लूकोज जब चढ़ाएगा ग्लूकोज तभी आपको असर करेगा क्या भाई, कि ग्लूकोज में इंजेक्शन डालेगा तभी बनेगा, ये अलग अलग से लगाएगा, यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ लीजिए, और बना हुआ है बेसिक का वीडियो पढ़ा हुआ है, बेसिक वीडियो देख लीजिए, और भी अभी ऑप्शन आपको पढ़े हैं जाइए तो प्लेलिस्ट में, अलग से आपको मिल जाएंगे, 100-100 क्वेश्चन हमने कराया है, 100 क्वेश्चन तद्भव वाले हैं, तत्सम के भी हैं, सब कुछ आपके हैं, उनको पढ़िए, हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं तो प्रैक्टिस तो कराते ही कराते हैं, ठीक है ना, हम समझ रहे हैं आपकी बात, लेकिन आप प्लेलिस्ट में जाइए आप देखिए तो वहां पर, ठीक है, दिया गया है ससुर का तत्सम दिया है तो ससुर में क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, मतलब ये जो आपका स होता है इसका परिवर्तन क्या हो जाता है, यहाँ पर स्व हो जाता है, तो ये ससुर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, काजू शब्द जो आया है कहां से आया है, ये दोस्तों याद रखिए काजू शब्द जो आपका आया है कैसा आया है, यहाँ पर देखिए काजू शब्द जो आया है कैसा है, तो आप कहेंगे सर काजू शब्द जो लिया गया है ये पुर्तगाली भाषा से है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तद्भव शब्द निर्दिष्ट आपका है, पढ़ रही कह रहा है तद्भव शब्द आपसे पूछा है, तद्भव कौन सा है, आप कहेंगे सर आधा जो आपका ये तद्भव है, क्योंकि आध जो होता है वो तत्सम होता है। अगला है हल्दी शब्द का तत्सम बताना है, हल्दी का तत्सम क्या होता है, यहाँ पर बताना है हल्दी का तत्सम, और हल्दी का क्या होता है, हरिद्रा होता है, हरिद्रका होता है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि हल्दी का हरिद्रा होता है या हल्दी होता है, क्या हो जाएगा, यहां पर बताइए जल्दी से क्या बनेगा। यहां पर देखिए 22 नंबर का जो ऑप्शन है यहां पर बी हरिद्रा लगाइएगा, हरिद्रका मत लगाइएगा, हरिद्रा होता है, ऑप्शन बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है तद्भव शब्द आपको यहां पर बताना है, कह रहा है तद्भव कौन है, क्लिष्ट हो जाएगा, आधा सा लगा, इसका मतलब है कि आपका आंसर यहीं से मिल गया है, आपका जवाब ये हो जाएगा। अगला है गेहूं का तत्सम, दोस्तों यहाँ पर देखिए चांद की बिंदी दिया गया है, और चांद की बिंदी की बात कर दे तो भैया गेहूं जो गेहूं का होता है तत्सम गोधूम होता है, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। ढीठ शब्द का तत्सम पूछा गया है,
ढेठ शब्द का तत्सम क्या होता है? 25 नंबर में तो ढेठ का तत्सम होता है दृष्ट। कौन सा? यहाँ पर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, दृष्ट। अगला है खंडहर का तत्सम क्या होता है? भैया खंडहर का तत्सम होता है खंड ग्रह। खंड ग्रह कहां पर है? यह ऑप्शन आपका सी वाला राइट हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दोस्तों दिया गया है कि अधोलिखित में से तद्भव शब्द आपका कौन सा है? यहाँ पर दोस्तों तद्भव शब्द आपसे पूछा है, तद्भव तो कह रहा है प्रतिभिन्न, क्या दिया है? प्रतिभिन्न परिधान दिया है, पिटक दिया और पिटारा दिया गया है 27 नंबर में। 27 को ऑप्शन दोस्तों डी दिया गया, पिटारा, ये हो जाएगा तद्भव। और अगला क्वेश्चन है बारात शब्द का तत्सम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका दिया है ये आपका क्या है? डब्ल्यू आपका वर्क है, अर्थात इसे होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।